से पूर्व में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं सर, विधायक दल की बैठक होने जा रही है, विधायक दल का नेता जो है वो आज चुना जाएगा। जी एक ये तो प्रक्रिया है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मीटिंग है, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और ऑब्जर्वर के तौर पे इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे हैं और उसके बाद में तय होगा जो भी है। जी तो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा सर? वो तो उसके बाद में मीटिंग में तय किया जाएगा, स्वाभाविक है उसके बाद में तय किया जाता है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश की जनता ने जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाने का काम किया है। तो बिल्कुल, रणबीर गंगवा जो है बरवाला से विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी बार सरकार बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। अनिल विज जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हुई है सर, एक बार विधायक कृष्ण मिड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दूसरी बार विधायक बने हैं सर, किस तरीके से देखते हैं आज विधायक दल की बैठक होने वाली है सर? देखिए विधायक दल की बैठक में मैं यही कहूंगा कि आज नायब सैनी जी को चुना जाएगा क्योंकि अमित शाह जी ने उनके नाम पर मोहर लगाई थी और उम्मीद है कि सभी इस चीज को तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं सर, एक बड़ा मैंडेट हरियाणा में एक रिकॉर्ड कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और अब ये रिकॉर्ड कभी टूटने वाला नहीं है और अगली बार भी मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर सरकार बनाने का काम करेगी। सर जिस तरीके से कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट में थी सरकार बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से थे उनके जो खोखले दावे? देखिए वो ऊपर से सब दिखावे का काम था क्योंकि वो धरातल पे बिल्कुल जीरो थे, उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा किस प्रकार से उन्होंने प्रदेश को लूटने और खसूटने का काम किया वो आप सबके सामने और इन 10 वर्षों में किस प्रकार से प्रदेश ने तरक्की करने का काम किया वो भी आपके सामने और लोग जवाब वोटों के माध्यम से ही देते हैं और वो देने का काम भी किया है। दावा भी आज ही पेश किया जाएगा राज्यपाल के? जी बिल्कुल। बिल्कुल कृष्ण मिड्डा जिनसे विधायक थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ा मैंडेट जो है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और तीसरी बार सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनाने जा रही है। तो लगातार ये तस्वीरें और जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज जो हैं वो इस वक्त पंचकमल कार्यालय बीजेपी के पहुंच रहे हैं जहां पर थोड़ी ही देर में विधायक दल की मीटिंग शुरू होगी। सबके सब अब इकट्ठे यहाँ पे मीटिंग होगी और आगे की प्रतिक्रिया होगी। और आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं, कोई पद मिलेगा किस तरीके से? देखिए भाजपा ने बहुत हमें मान सम्मान दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों के बीच में। मैंने चुनाव लड़ा, एमएलए होना एक बहुत गौरव की बात है और एक बहुत गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों का की जिम्मेदारी है तो वो निभानी है। और किरण जी को राज्यसभा दी माननीय हमारे नेतृत्व ने, तो ये बहुत मान सम्मान मिला है और पार्टी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं कोई उम्मीद तो सबको पता ही है भाई, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हमारा कैंडिडेट विधायक दल का नेता विल बी नायब सैनी एंड ही विल डू एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। किस चीज की जेजीपी? अरे भाई ये एक्सीडेंट देखिए, हर इंसान के जीवन में एक्सीडेंट होते हैं, ये एक बात चली गई, अब क्या कमेंट करें इसके बारे में। आई डोंट वांट जो निकलेगा यहाँ तक विधायक बनकर के पहुंचे इतने बड़े मैंडेट के साथ, जनता के आशीर्वाद से, मनोहर जी के आशीर्वाद से, नायब जी के आशीर्वाद से, प्रदेश संगठन के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, और जो निकलेगा वो आपके सामने होगा, अच्छा ही होगा। नहीं अच्छे, हमारे पार्टी के हमारे वरिष्ठ, बहुत वरिष्ठ अपना विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और लगातार उनसे सीखने को मिलता रहता है, तो यही इतना ही कहना है। नहीं देखिए मैंने आपको कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मैं पहली बार विधायक बना हूँ और दो दो मुख्यमंत्री जी ने विरासत अपने मेरे कंधे ऊपर डाली है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना स्वाभाविक है, जो शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार होगा और यहाँ पर सर्वसम्मति से फैसला होता है। बिल्कुल मैंने जैसे कहा ये फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व का और बिल्कुल जो भी शीर्ष नेतृत्व के अनुसार सर्वसम्मति से जो फैसला होगा मान्य होगा और नायब सैनी जी ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। विधायक दल की बैठक है, उसमें जो निर्णय विधायक करेंगे, आज हमारा सदन का नेता चुना जाएगा, अब सीएम तो वो पार्टी निर्णय करेगी कौन रहेगा सीएम, तो ये विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। जी धन्यवाद। हम सभी अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए हम हमारे माननीय नेता अमित शाह जी के लिए तैयार हैं
और विधायक दल की बैठक है और अवश्य ही कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित तो हैं, जब बड़ा नेतृत्व आता है तो उत्साह तो बढ़ता है। ये आज तो बहुत खुशी का माहौल है, पूरे हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और मैं होडल से बन के आया हूँ। उदयवान जी को मैंने चुनाव में हराया है, होडल से तो जी होडल की तो उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से कमल खिला है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा में। उदय भान जी तो ठीक है, आप लोगों के माध्यम से वो जो क्या है एक बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि मीडिया में स्टेट प्रेसिडेंट है तो एक हाइक बना हुआ था, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सब पार्टी का निर्णय है, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, जो हमारा से सुनेता आया हुआ है, जो अभी जब डिस्कशन होगा जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा थोड़ी देर में। कोने कोने से हरियाणा प्रदेश के ही नहीं दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर इस समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर बड़ा उत्साह है और कल जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके पश्चात विधिवत रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार जो है वो काम करना शुरू करेगी। देखिए आज कैबिनेट को लेकर के आज तो सिर्फ लीडर ऑफ दी विधायक दल का नेता चुन जाए, देखिए ये विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होगा। हाँ उसमें मंत्री ले सकते हैं। तो क्या नाम कब तक तय होगा, आज ही इस विधायक दल की बैठक? देखिए ये तो हाईकमांड ने तय करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय करना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कौन कौन उनके साथी होंगे। तो लगातार तमाम जो विधायक हैं नवनिर्वाचित विधायक वो इस वक्त पंचकुला पहुंच रहे हैं, पंचकमल कार्यालय, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। सभी अपने अपने राय जो है रख रहे हैं और तीसरी बार बीजेपी ने जो हैट्रिक जीत हासिल की है उसका भी जिक्र करते हुए कि हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी की नीतियों पर बीजेपी के वादों पर भरोसा करती है और जिसकी वजह से ये भारी जीत जो है वो मिली है। और इसके साथ ही कल हरियाणा में नई सरकार जो है बीजेपी की वो स्थापित हो जाएगी, ऐसे में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह कल है, तो मुख्यमंत्री पद का भी कल शपथ ग्रहण समारोह